हाय डियर, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, जनरल टॉक्स विद छवि है। लेकिन मैं सोची आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि आज मेरे बेटे का सेकंड पेपर है बोर्ड का और आज मैथ्स पेपर है, तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी। अभी मैं सुबह के बज रहे हैं, अभी 6:30 हो रहा है मॉर्निंग का, और अभी मैं किचन में जा रही थी और मैं सोची कि आज वीडियो नहीं अपलोड करूँगी। लेकिन मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ 5 मिनट या 2 मिनट का वो वीडियो अपलोड कर दूँ जो मैं मॉर्निंग में किचन में जाने के पहले करती हूँ। अभी मैं आप मेरे फेस को देख करके समझ गए होंगे और मेरी आवाज़ को देख करके और मेरे बाल को देख करके, मैं मॉर्निंग में डेली में ऐसे ही रहता है और मैं मॉर्निंग में किचन में जाती, मैंने अपने बाल को कॉम्ब भी नहीं किया। तो मैं डेली मैं सोची हूँ कि, और सडनली मेरे माइंड में आइडिया क्लिक किया कि मैं उन सब लेडीज़ का हेल्प करती हूँ जो वो किचन में जाते हैं मेरी तरह। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और किचन में जाती हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ किचन में जाने के टाइम में, वो मोस्टली लेडीज़ नहीं करती हैं या वो गर्ल्स नहीं करती हैं जो किचन में तो काम करती हैं लेकिन अपनी स्किन के ऊपर ध्यान नहीं देती है मेरी तरह। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान में देते हो ना, मीन्स किचन में जब जाने लगते हो ना, तो कुछ अपने फेस के ऊपर अगर आप लगा लेते हो ना, स्किन के ऊपर, जैसे फुल्का बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो, तो उसका स्टीम वगैरह आपके स्किन के ऊपर आता है ना, भाप आता है, तो आपकी स्किन में ना यहाँ पर वो काले 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 पहले वो डॉट डॉट आते हैं तिल के जैसा, फिर उसके बाद वो पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है, फिर आपकी स्किन काली होने लगती है। तो क्यों ना आप सबके साथ मैं 4 डेज या 5 डेज का वो सीरीज़, मैं मॉर्निंग का अपना टाइम टेबल शेयर करूँ आपके साथ जो मैं डेली मॉर्निंग में करती हूँ, किचन में जाने के पहले और मॉर्निंग में उठने के साथ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले उठी, आज अभी मैं पानी भी नहीं पी हूँ, तो चलिए पहले मैं पानी पी। सिर्फ एक नींबू है, एक नींबू मैं खुद ही पी जाती हूँ, इससे बड़ा नींबू मैं डेली मॉर्निंग में एक गिलास जो है वो पानी के साथ पीती हूँ। लेकिन आज एक ही नींबू है तो बेईमानी नहीं करती हूँ, हाफ खुद ले लेती हूँ और हाफ अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो ये गिलास और ये है नींबू, और यहाँ देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे गैस ऑन है मेरा, देखते हो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, आपको दिखलाती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये गैस ऑन है, राइस चढ़ा है यहाँ पर जो मुझे बिरयानी बनानी है। तो किचन में आने के पहले मेरा यही काम रहता है। और ये ये है मेरे हस्बैंड का ग्लास, उनके लिए पानी बना रही हूँ मैं, तो उनके पानी में दूंगी ये हाफ लेमन। एक्चुअली मैं पूरा एक नींबू लेती हूँ तो ये आज हाफ नींबू है मेरे हस्बैंड का, मैं हमेशा हाफ नींबू ही लेती हूँ, तो हाफ लेमन है उनका और उसके अंदर मैं लेने वाली हूँ नॉर्मल जो अपनी किचन की हल्दी होती है वो फुल 1 स्पून। ये आपके ज्वाइंट पेन अगर आपको होता है उस सब में बहुत हेल्प करता है, प्लस अगर आपका कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और जो वो एक्सीडेंट का जो पेन होता है ना, वो बहुत अलग सा पेन होता है, तो उन सब के ऊपर वो फायदा करता है। ज्वाइंट पेन में तो मार्वेलस, अगर आपकी टमी निकली हुई है ना, बहुत जेंट्स की टमी होती है ऐसी निकली होती है, मेरे हस्बैंड की भी थी, अभी बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है इसकी वजह से, और ज्वाइंट पेन तो उन्हें हुआ ही नहीं है, माता रानी की कृपा है। तो चलिए पानी हो चुका है, अब पानी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पानी
मैं हल्दी नहीं लेती। ये हो गया। अब ये है हनी, फुल वन स्पून हनी, फुल वन स्पून हनी हस्बैंड के ग्लास में। इसे आप पीते हैं, इस पानी को पीते हैं, लेकिन खड़े होके नहीं, बैठ के पीते हैं। ठीक है, आप सब हमेशा पूछते हो मैम अपने अपने अपना कुछ सीक्रेट बताओ। मैं सब अपना ही सीक्रेट बताती हूँ, बस आपको लेना कैसे, उसको यूज कैसे करना है आपको देखना है। देखो जैसे मैं ब्लॉगिंग चैनल पे आती हूँ, ठीक आ जाए, वैसे ही आप लोगों के साथ आई हूँ, यानी कि नो लिप बाम, कुछ भी नहीं, बस आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन। ये हो गया मॉर्निंग में, मैं ये करती हूँ। अभी मुझे बिरयानी बनाना है, तो मुझे अभी मसाला भूनना पड़ेगा, है ना। तो उसको भूनने के पहले मैं क्या करूँगी, चलिए अब टिप नंबर टू आपके साथ शेयर करूँगी। अब बहुत ईजी है, ठीक है। और मैं मॉर्निंग टाइम में जब भी मैं किचन में जाने वाली होती हूँ, तो सबसे पहले मैं करती हूँ, जब गैस ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, कुकटॉप का ऑन करती हूँ ना, और भाग के आती हूँ। क्या करती हूँ, लेती हूँ वन स्पून बेसन, बस पाम में ही लेना है बेसन। उसके बाद ले लेना है दही। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ले सकते हो रॉ मिल्क, दही के जगह पे रॉ मिल्क ले सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए हो गया दही और बेसन। इसके बाद क्या करना है, अब दही और बेसन कोई कटोरी की और बाउल की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं मॉर्निंग में तो ऐसे ही करती हूँ। अब ये हो गया, अब इसको मैं पाम में बस ऐसे कर लूँगी मिक्स, बस ऐसे हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं इसे अपने फेस के ऊपर लगा लूंगी। अब कैसे लगाऊंगी, ये नहीं कि सिर्फ लगा लूंगी, हल्का मसाज करूंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं मेरा गैस ऑन है, जो मुझे करना है राइस धोना है या फिर जो भी करना है मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। बस मसाला भूनने के पहले एक मिनट हल्का मसाज करते हुए, और इसे मैं अपने अंडर आई भी लगाने वाली हूँ। आप रॉ मिल्क ले सकते हो इसके जगह। अब मैं इसे अपने फेस के ऊपर लगा के छोड़ दूंगी 5 to 7 minutes। जब ये सूख जाता है आगे का प्रोसेस बताते हैं। फेस हो गया एकदम ड्राई, अब इसे वॉश करते हैं, वो भी आज आपके सामने किचन। मेरा फेस देखिए, अभी जस्ट मैं फेस वॉश करके आई हूँ आपके सामने, और मेरी स्किन देखिए। किचन में मेरा काम चल रहा है ना, तीनों बर्नर पे मेरा काम चल रहा है, और साइड में मेरे फेस केयर भी, जो मॉर्निंग रूटीन होता है डेली मॉर्निंग रूटीन, वो भी फॉलो हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी 4 days और 3 days और एटलीस्ट मैं मॉर्निंग में जो भी पैक मैं लगाती हूँ बस ऐसे ही इंस्टेंट वाले आप सबके साथ शेयर करूँ। बाय बाय।